नमस्कार दोस्तों, देश की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, राफेल डील पर चर्चा जारी है। पिछले कई महीनों से राफेल डील ने भूकंप ला रखा है पूरे राजनीतिक तंत्र में, और निशाने पर है नरेंद्र मोदी सरकार। राहुल गांधी को मानो एक मौका मिल गया है। उनको लग रहा है कि ये बोफोर्स की तरह ये मामला और बड़ा होगा। जिस तरह बोफोर्स मामले में कांग्रेस की किरकिरी हुई थी, राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री, वो निशाने पे आए थे। मोरारजी देसाई और उस टाइम के नेता वीके सिंह, विश्व सॉरी वीपी सिंह वीपी सिंह ने भुनाया था इस मुद्दे को, और इस मुद्दे को इतना बड़ा किया था मानो कई लोग जेल में जाएंगे। लेकिन लेकिन बोफोर्स मामले में कुछ ज्यादा कुछ नहीं निकला। उसी रास्ते पर राफेल डील है, और राफेल डील में एक नया मोड़ आया। नया मोड़ ये आया है कि अब सीबीआई इसकी जद में आ गई है। कहा जा रहा है कि सीबीआई के जो अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा, चेयरमैन है आलोक वर्मा, राफेल डील पर इंक्वायरी करने जा रहे थे, या उनको ऐसी कोई जानकारी मिली थी, और शायद एफआईआर भी दर्ज करने जा रहे थे, जिसकी भनक सरकार को लग गई। ये रिपोर्टेड न्यूज है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है कि सरकार को भनक लग गई। और अस्थाना के नाम पर, जो कि आलोक वर्मा सीबीआई के जो चेयरमैन है, उनके जूनियर है अस्थाना, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच खींचातानी चल रही है। कहा जा रहा है कि राकेश अस्थाना ने किसी एक मामले में घूस लिया था, जिसकी वजह से आलोक वर्मा उन पर केस चलाना चाह रहे थे। ये अंदरूनी मामला था सीबीआई का। दो अधिकारी अब आपस में ही लड़ रहे थे, क्योंकि आलोक वर्मा चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं, सीबीआई प्रमुख हैं, तो उनके अधिकार में आता था कि वो अपने जूनियर के खिलाफ केस रजिस्टर करके इंक्वायरी कर सकते थे। लेकिन अचानक से सरकार की दखल होती है। सरकार दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज देती है, एक नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होता। आलोक वर्मा, देखिए सीबीआई के संदर्भ में मैं बता दूं कि सीबीआई की किस्मत इतनी खराब रही है कि मजबूत अध्यक्ष या मजबूत सीबीआई प्रमुख नहीं मिले हैं। आप शुरू से ले उठकर अभी तक के इतिहास को देखेंगे सीबीआई की, तो आप पाएंगे कि जितने भी ज्यादातर जो सीबीआई प्रमुख रहे हैं, उनके उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं रही है। वो सरकार के इशारों पे काम करने वाले लोग हुए हैं। यहाँ सीबीआई ने तो रंजीत सिन्हा, जो कि फॉर्मर सीबीआई प्रमुख थे, उनके बारे में कहा था कि सीबीआई सरकार की तोता है, पायलट पायलट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इस तरह की। जबकि दुर्भाग्य की बात यह कि जबकि ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि ये सरकार का तोता है, तो दुखद बात है। तो अच्छी बात यह है कि आलोक वर्मा जैसे ऑफिशियल्स इंडिया में हैं, जो कि हार नहीं मानते हैं। हालांकि सरकार ने उनको जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं सरकार के निर्णय के खिलाफ, और वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर प्रशांत भूषण ने भी एक प्ली दिया है सुप्रीम कोर्ट में। आज ही सुनवाई होने वाली है कि राफेल के ऊपर सीबीआई एफआईआर दर्ज करे। तो दोस्तों, मामला थोड़ा गंभीर तो है ही, साथ में पेचीदा भी है। कई सारे तार जुड़े हुए हैं राफेल डील से। लेकिन सीबीआई के नाम सीबीआई इस जब से इसकी जद में आई है, तो ये मामला और बड़ा हो गया है। राहुल गांधी को मौका मिला है। राहुल गांधी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा है, और आज फिर से पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। सीबीआई पर दबाव बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी की, ताकि वो राफेल मामले में एफआईआर दर्ज करे। अब सीबीआई ही इस पर डिसीजन ले सकती है। अभी जो नए सीबीआई डायरेक्टर आए हैं, वो फैसला लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब सबकी नज़र कोर्ट पर जरूर होगी, क्योंकि अगर प्रशांत भूषण की प्ली स्वीकार कर ली जाती है, तो सीबीआई को एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, और ये डील इस डील के वजह से नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी हो सकती है। मीनवाइल आलोक वर्मा की किस्मत का भी फैसला होने वाला है। आलोक वर्मा सरकार के फैसले को चुनौती दी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीबीआई अमूमन सीबीआई के जो अध्यक्ष होते हैं, वो इतने कमजोर होते हैं, वो सरकार के फैसलों को मान लेते हैं, चुनौती नहीं देते हैं। ऐसे भारत में बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनमें इतनी शक्ति होती है कि वो सरकार के फैसलों का विरोध कर सके। अच्छी बात है, ये है।
आलोक वर्मा कितने सफल हैं, कितने सही हैं और कितने गलत हैं, इसका फैसला तो जांच के बाद ही होगा। लेकिन अभी तक प्राइमा फेसी में तो देखा यही जा रहा है कि आलोक वर्मा ने दृढ़ता दिखाई है। एटलीस्ट ही शोज दैट ही इज अ मैन ऑफ बोन, माने रीढ़ की हड्डी है उनके पास, वो झुकने वालों में से नहीं है। अस्थाना और आलोक वर्मा में जो खींचातान चल रहा है उस पर भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जांच के बाद ही पता चलेगा कि दोषी कौन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीबीआई के पास ऐसे डायरेक्टर अभी हैं, अभी अभी जिन जो अपना फैसला ले सकते हैं, जो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, जो सरकार को भी कह सकते हैं कि आप दूर हटिए, हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं। तो दोस्तों नज़र रखिए इन सब डेवलपमेंट पे, क्योंकि राफेल मामला देश की सुरक्षा का मामला है, भारतीय राजनीति से जुड़ गया है, तो राजनीतिक मामला भी है। केवल बात ये बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये सत्ता और विरोधी पक्ष की नहीं है, नहीं केवल सीबीआई की है, ये बात हमारे देश की है। क्योंकि ये बात हमारे देश की है इसलिए सजग रहिए, राफेल डील के बारे में पढ़िए, जानकारी लीजिए, पॉलिटिकली थोड़ा नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंततः इस देश को राजनीति ही चला रहा है। अगर आप खुले खुले सांड की तरह अगर सरकार को छोड़ दीजिएगा या विपक्ष पार्टी को छोड़ दीजिएगा, तो ये देश को नुकसान पहुंचाएंगे। ये लोग केवल अपने फायदे की राजनीति करेंगे। इसलिए पढ़िए, जानकारी लीजिए सीबीआई में क्या हो रहा है, और अपनी बातें रखा कीजिए। तभी सरकारें और जो भी ऊंचे पद पे हैं लोग हैं, उनमें डर की भावना आएगी कि अब जनता जाग गई है, जनता जानकार है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आगे भी इस ऐसे मुद्दों पर चर्चा करूंगा, मैं नज़र रख रहा हूँ डेवलपमेंट पे, मैं आगे भी बोलूंगा इन मुद्दों पर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिए, ताकि मुझे भी सीखने को मिले, समझने को मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ये चैनल ग्रो करेगा तभी मैं इसे और प्रोफेशनल रूप दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।